सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे कि मेरी पुरानी वीडियो थी एक ओवरव्यू के बारे में कि किस तरह से कनाडा का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, एंड आज हम बात करेंगे इन डिटेल इन डेप्थ सारे कॉस्ट जो अप्रॉक्सीमेटली आप इनकर करने वाले हो इन सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग। और मैं इन डेप्थ सारे, जैसे कि मैंने बताया था, 7 स्टेप्स होते हैं, 7 प्रोसेसेस होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को जो है इंटरेक्ट करना होता है इनसे। तो डोंट वरी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड आगे सारी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग, मीट माय फ्रेंड। ये मेरी एक छोटी सी किटन है, इसका नाम हयात है। से हाय टू एवरीवन। ओके, अभी फिलहाल ये सो रही थी, मैंने सोते सोते इसको डिस्टर्ब कर दिया। सो फर्स्ट यहाँ पे आता है प्रोसेस जो हर एक स्टूडेंट को जो है देना पड़ता है, उसकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट जो होता है आइल्स, टोफेल एंड अलग अलग होते हैं। सो आइल्स मोस्ट कॉमन होता है। सो आइल्स एक अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट होता है अराउंड 14,500 से लेके आपको 15,800 तक कॉस्ट हो सकता है विथ IDP, बिकॉज इन इंडिया IDP एक सोल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आइल्स कंडक्ट करता है। प्रीवियसली इट वॉज ऑल्सो ब्रिटिश काउंसिल, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल अभी हम लोगों को टाटा बाय बाय करके जा चुका है, एंड इंडिया में इट इज़ नो मोर। एंड ऑफकोर्स इफ यू आर आउटसाइड इंडिया, देन डेफिनेटली एक ब्रिटिश काउंसिल भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आइल्स कंडक्ट करना है। तो आइल्स या तो आप IDP के थ्रू जा सकते हो या ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू भी जा सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। एंड आगे आता है एजेंट, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होता है, बिकॉज आपको काफ़ी सारे एजेंट के सिलेक्शन मिल जाएंगे ऑनलाइन, इंटरनेट वगैरह पे, गूगल पे आप जब सर्च करते हो तो बहुत सारी एजेंसीज अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट करके रखती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एजेंट सिलेक्ट करना, बिकॉज या तो एजेंट आपको अच्छे प्रोसेस की जानकारी नहीं दे पाएगा, आपको प्रॉपर सिलेक्शन नहीं बता पाएगा, या तो जो एक अच्छा एजेंट रहेगा वो आपको स्टार्ट टू एंड तक का पूरी तरह से गाइड करेगा कि आप अपने आइल्स से लेकर शुरुआत तक के लिए आपके वीज़ा के अप्रूवल आने तक का आप किस तरह से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे, पूरा ए टू ज़ेड गाइडेंस मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू, मैंने 3 जो एजेंसीज हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया हूँ और उसमें मैंने कैटेगराइज भी किया हूँ। एंड द फर्स्ट वन इज़ IDP, सेकेंड वन इज़ कैनम, एंड थर्ड वन इज़ YXS। अभी इनमें कैटेगराइज कुछ इस तरह से मैंने किया हो कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि आई डोंट वांट टू स्पेंड एनी अमाउंट टू माय कंसल्टेंसी, एंड उनको कुछ पे करना ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी जो कंसल्टेंसीज होती है उनको कॉलेजेस के द्वारा जो है रेफरिंग अमाउंट मिलता है, और हमारी जो कॉलेज फीस वगैरह हम पे करते हैं उनमें से उनको एक जो है पार्ट भी मिलता है उस चीज़ का, जो उनका कंसल्टिंग अमाउंट होता है वो उन्हें ज़रूर मिलता है। सो अगर किसी किसी का परसेप्शन होता है कि मुझे नहीं स्पेंड करना है एजेंसीज में, तो यू कैन गो विथ IDP डेफिनेटली। दे डोंट चार्ज एनीथिंग टू यू, एंड पूरा जो स्टार्ट से लेकर एंड तक का प्रोसेस है वो पूरी तरह से वो लोग आपको गाइड करके एंड वीज़ा अप्रूवल तक आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको अगर थोड़ा मिड रेंज है आपका, अगर 5 to 10,000 rupees आपको स्पेंड करना है, सो यू कैन डेफिनेटली गो विथ कैनम। एंड बिकॉज मैं खुद कैनम के साथ में गया हूँ, एंड कैनम चार्ज मी जस्ट 3,000 rupees फॉर द इंटायर प्रोसेस, एंड दे हैव गाइडेड मी टू ईच एंड एवरी स्टेप स्टार्टिंग आइल से लेकर मुझे एंड वीज़ा यानी मेरा कनाडा मूव होने तक वो लोग मुझे पूरी तरह से गाइड करें हर चीज़ में, और उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ YXS, अगर आपका मस्त जेब भरी हुई है एंड यू हैव अराउंड 50 to 60,000 rupees टू स्पेंड टू अ कंसल्टेंट, सो डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप YXS के थ्रू जाओ, बिकॉज आपको पूरी तरह से स्पून फीडिंग कराई जाएगी। और स्पून फीडिंग से मेरा मतलब है कि स्टार्ट टू एंड आपको सिर्फ घर पर बैठना है, जस्ट रिलैक्स एट योर होम, एंड आप उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें भेजते रहिएगा, एंड दे विल डू ऑल द नेसेसरी थिंग्स फॉर यू। एंड उसके बाद में ये 3 एजेंसीज आती है, अकॉर्डिंग टू यू सिलेक्ट करिए कौन सा बेस्ट एजेंसी होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट 3,000 rupees जो बेसिक अमाउंट होता है, एंड अप्रॉक्स 40 to 50,000 की रेंज में भी आपको YXS प्रोवाइड कर देगा पूरी तरह से फ्री से। सो मूविंग टूवर्ड्स थर्ड थिंग, अभी थर्ड थिंग आती है यहाँ पे, कॉलेज का जो एप्लीकेशन फी होता है वो आपको पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट करोगे अपने एजेंट के साथ में मिलकर, या फिर अपनी पर्सनल रिसर्च के अकॉर्डिंग आप कम से कम 3 या 4 कॉलेजेस को तो शॉर्टलिस्ट करोगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज जो उसका रेंज होता है एप्लीकेशन फी का अराउंड $90 से लेके $250 तक हो सकता है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, अगर आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कुछ कॉलेजेस, एंड आप अनलेस एकदम स्पेसिफिक ना हो अपनी चॉइस को लेकर, या फिर आपको उसी कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल आपको सैनिका में जाना है या सेंटिनल, आप एकदम स्पेसिफिक ना हो, तभी आप जो है अपने एजेंट से ज़रूर पूछ सकते हो कि कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जिन पे एप्लीकेशन फी वेवर है।
तो एप्लीकेशन फी वेवर इस आपकी जो एप्लीकेशन की फीस होती है वो टाइप्स होता है आपके कंसल्टेंसी के साथ में और वो फीस माफ हो जाती है, आपको वो पे करना नहीं पड़ता है. एंड देन ओवर देयर यू विल बी एबल टू सेव अप्रोक्सीमेटली $100 or $150 जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है और काफी अच्छा होता है. तो डेफिनेटली गो विद दोज कॉलेजेस एज वेल बिकॉज वो अच्छी कॉलेजेस ही होती है. बस आपको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट एंड वर्क परमिट एलिजिबिलिटी है कि नहीं वो सारी चीजें डेफिनेटली चेक करना है. पर्सनल रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके सो लेट्स मूव अहेड. जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर लेते हो उसके बाद में आपको मिलता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक तरह से ऑफर लेटर होता है आपके लिए कि आपको हमने एक्सेप्ट कर लिया है हमारी कॉलेजेस में एंड उसके ऊपर सारी ट्यूशन फीस वगैरह सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें आपके कोर्स कमेंसमेंट डेट सारी चीज़ें लिखी होती है. अभी आपको पे करना होता है सबसे बड़ा अमाउंट जो कि होता है आपका ट्यूशन फीस एंड जिसके लिए आप बैंक से लोन्स लेते हो या फिर आपके पास फंड्स रेडीली अवेलेबल होता है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक मैंने ज्यादातर देखो लोगों के पास फंड्स भी होता है देयर पेरेंट्स सेविंग एंड देयर ओन सेविंग एज वेल एज लोग बैंक के लोन्स के लिए भी अप्लाई करते हैं. सो अभी इन सिनेरियो में आपको पे करना होता है वन इज योर ट्यूशन फीस एंड द सेकंड थिंग इज GIC. अब GIC के सिलेक्शन पे भी हम आते हैं लेकिन पहले ट्यूशन फी पे करने के लिए आपको आपकी कॉलेजेस के द्वारा डिफरेंट मेथड्स बताए जाएंगे. आई पेड वाया फ्लाईवायर एंड फ्लाईवायर भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस प्रोवाइड किया है हमें एंड मुझे कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस प्रोसेस में और स्मूथली मेरी जो ट्यूशन फीस है वो मैंने पे कर दिया था. मेरी बैंक में जाके मैंने सिर्फ मेरे फंड्स जो थे वो रेडीली अवेलेबल थे मेरे बैंक में एंड मैंने जाके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करके मैंने प्रोसेस कर दिया. बाय वायर ट्रांसफर मैंने किया था और उसे पेमेंट कम्प्लीट हो गया था. बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं. एक अच्छी बैंक में बस अकाउंट रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. मेक श्योर कीजिए जब आप ये प्रोसेस चालू कर रहे हो तभी ही एक अच्छी प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करवा लो. बिलीव मी बहुत हेल्प होने वाली है आप लोगों की. ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक इस तरह की जो प्राइवेट अच्छी अच्छी बैंक होती है ना वहाँ पर अकाउंट रखो. सीरियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड होगा आपका अमाउंट लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है ये सारी चीज़ों से. लिटरली इग्नोर जस्ट SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सारे जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं इनको इग्नोर करो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है आपके प्रोसेसेस को ये. सो लेट्स मूव अहेड टू GIC. अब GIC पे करना पड़ता है आप लोग को $10,000 Canadian विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6,15,000 से लेकर 6,35,000 के बीच में रेंज कर सकता है आपको इंक्लूडिंग योर प्रोसेसिंग फीस. रही बात एप्लीकेशन फीस की तो जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो $200 होती है नोवा स्कॉशिया की एंड अराउंड $150 होती है CIBC बैंक की. एंड डेफिनेटली मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ तो आपके लिए एक रेफरल कोड भी साथ में जाता है. यूज़ माय रेफरल ईमेल एड्रेस एंड रेफरल ईमेल एड्रेस को आप रिफर करोगे मेरा ईमेल एड्रेस रेफरल कोड में आप एंटर करोगे तो आपको $25 Canadian का डिस्काउंट मिलेगा जब आप वहाँ पे कनाडा में रीच करते हो. इससे कैसा होता है कि आप CIBC में भी प्रोसेस काफ़ी जल्दी करा पाओगे बिकॉज 3 to 4 days में प्रोसेसिंग टाइम है. GIC सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ आपको वर्किंग डेज में मिल जाती है. एंड अराउंड जो है नोवा स्कोशिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 to 10 days है तो उतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है. डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन करूँगा. बस आप अपने एजेंट को प्रोवाइड कर दीजिएगा वो रेफरल ईमेल जो अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे वो रेफरिंग ईमेल वहाँ पे ऐड कर देंगे. सो यू विल बी गेटिंग अ मेल एज वेल कि आपने ये 100% को रेफर किया है. आपका रेफरल बोनस जो है आपको जब आप लैंड करोगे कनाडा में तो $25 का आपको इंक्लूडिंग मिल जाएगा या माइनस होकर मिल जाता है. तो $10,000 + $25 आपको मिलेगा यहाँ पे तो आपका फायदा ही फायदे का सौदा है यहाँ पे. और रही बात वीज़ा की जब आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $150 फॉर योर वीज़ा एज वेल एज $85 फॉर योर बायोमेट्रिक्स. सो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का कॉस्ट होता है वीज़ा एप्लीकेशन आपका बायोमेट्रिक्स में इंक्लूड होता है. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड एज वेल एज योर क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर वीज़ा एप्लीकेशन फीस एज वेल एज आप क्रेडिट कार्ड में जिसमें बस मेक श्योर करना कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव होना चाहिए बिकॉज आप अपने एप्लीकेशन से भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव करवा सकते हो या फिर अपने बैंक में भी आप कॉन्टैक्ट करके उसे एक्टिवेट करवा सकते हो. एंड बाय योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड यू कैन पे द वीज़ा अमाउंट. एंड मूविंग अहेड आप वीज़ा जैसे ही आपका इंशाल्लाह अप्रूव हो जाता है आपको जो है सिलेक्ट करना होता है आपकी एयरलाइंस की आपको कौन सी एयरलाइंस के थ्रू एंड आपको किस तरह से एयर टिकट आपकी बुक करनी है. सो आई विल हाईली रिकमेंड टू बुक एटलीस्ट 3 months बिफोर ऑफ योर ट्रैवलिंग डेट. भी था अगर आप पीक टाइम पे 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले आप अप्लाई करते हो या फिर कोई टिकट बुक करते हो आप तो वो नो वेयर बिटवीन आपको 1 lakh rupees से लेके 2 lakh के बीच में आ सकती है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव अमाउंट होता है एक फ्लाइट के लिए. ऑल दो इट विल बी अ कनेक्टिंग फ्लाइट एंड 2 या 3 कनेक्टिंग फ्लाइट भी हो सकती है बीच में लेओवर्स काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और हैक्टिक आपका ट्रैवल हो जाएगा जर्नी. तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि अराउंड 3 months पहले आप बुक करो टिकट्स अगर आप श्योर हो कि आपका वीज़ा आ जाएगा. एंड इंशाल्लाह सारे लोग श्योर रहे एंड अगर आप पक्का आपको लगता है कि इतना अप्रॉक्सीमेटली डेट आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आ सकता है आपका वीज़ा
तो डेफिनेटली आप जाइए एंड टिकट बुक कर लीजिए, रिफंडेबल टिकट, जिसमें हार्डली आपको 10,000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है अगर आप उसको कैंसिल या पोस्टपोन कराते हो। 10,000 रुपीज़ तक का अप्रॉक्सीमेटली डिडक्ट होता है उसमें, तो डेट विल बी मोर देन इनफ। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1,80,000 रुपीज़ या 2,00,000 रुपीज़, से अच्छा कि आप 10,000 रुपये का लॉस खाओगे वो अच्छा रहेगा, ना कि 80,000 या 90,000 रुपये का आपको एडिशनल पे करना पड़े टिकट बुकिंग के लिए। सो आप अगर ट्रांजिट वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो ट्रांजिट वीज़ा की अगर पहले से अप्लाई करते हो तो नो वेल बिटवीन आपको 60,000 से लेके अराउंड 2,00,000 के बीच में आपको ट्रांजिट वीज़ा वगैरह, जिसमें आपको USA, UK वगैरह ये सब जगह का ट्रांजिट वीज़ा अलग से लेना पड़ता है, तो वहाँ के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा आपको कम प्राइस पड़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ में ना आप, मैं रिकमेंड करूँगा ट्रांजिट वगैरह के झंझट में मत पड़िए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी कभी कभार हो जाता है। USA का ट्रांजिट वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, और आपको अप्रॉक्सीमेटली स्पेंड करना है 1,00,000 के करीब, 1,10,000, 90,000 से 1,10,000 के बीच में आपको स्पेंड करना है। तो 3 महीने पहले ज़रूर बुक करिए, 3 महीना मोर देन इनफ रहेगा आपको बुकिंग के लिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, मेक माई ट्रिप है, बहुत सारे पर्सनल एजेंट्स वगैरह भी होते हैं जो अच्छे से अच्छा ऑफर प्रोवाइड करते हैं, बिलीव मी। और मेक श्योर कि आपके फ्लाइट में एटलीस्ट 2 जो है लगेज बैग होने चाहिए, चेक इन बैग्स होना चाहिए आपका, तो इनफ स्टोरेज होगी आपके पास में। मील्स वगैरह अगर एड ऑन हो रही है आपको डायरेक्टली एजेंट के द्वारा, या फिर आपको ऑफर मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐड करवाना भूलना नहीं वो भी चीज़। लास्ट आती है आपकी शॉपिंग, बस मज़े भाई शॉपिंग में, तो एकदम ऐसा फेवरेट टॉपिक बन गया है ना आज के टाइम पे लोगों का। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो इंटरनेशनली, आपको शॉपिंग करना तो बहुत मज़े वाली बात है एकदम। तो शॉपिंग में अप्रॉक्सीमेटली, अब ये इसका अप्रॉक्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिकॉज कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरी शॉपिंग तो मैं लगभग, बिकॉज मैं जहाँ पे एकोमोडेशन मेरा है वहाँ पे, उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा एमिनिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरा 20,000 to 30,000 या 35,000 में अप्रॉक्सीमेटली शॉपिंग पूरा कम्प्लीट हो गया है। लेकिन 25,000 से लेके 1,00,000 तक का आपकी शॉपिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे हो। विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, शॉपिंग में क्या क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या कैरी करना चाहिए, सारी चीज़ों का एक सेपरेट वीडियो आएगा, डोंट वरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। 1 सब्सक्राइबर बढ़ने से भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एंड ज़रूर अपने फीडबैक को शेयर कीजिएगा कमेंट में। एंड कुछ भी अगर स्पेसिफिक टॉपिक या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन टू एवरीवन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वंस अगेन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड नाइट अहेड। थैंक यू सो मच, मज़ा आया।